हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श के ऑनलाइन पोर्टल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय जिसका नाम है कैलेंडर, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्नों की ओर जाने से पहले हमें पिछले चैप्टर की भांति कुछ छोटे छोटे बहुत ही महत्वपूर्ण कैलकुलेशंस करने हैं, क्योंकि इन्हीं कैलकुलेशन का यूज़ हम आने वाले सभी वैरायटी के प्रश्नों में करेंगे। अब क्योंकि हम कैलेंडर का अध्ययन कर रहे हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि हम हमारे देश में अर्थात भारत में जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए कि भारत के अंदर जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं वो क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर नहीं है। ठीक है, क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, और ये एक सूर्य पर आधारित कैलेंडर है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, लेकिन आपको इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए, इस पूरे चैप्टर में कौन कौन सी शब्दावली यूज होने वाली है, इससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो ये इन सारी शब्दावलियों को आप स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और आपको पता भी होगा। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल ईयर बोलता हूँ, मतलब एक सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, उसके बाद में लीप वर्ष आप सबको पता है हर 4 साल में आता है। ठीक है, लेकिन एक स्थिति ऐसी बनेगी जब 4 साल में नहीं आएगा, वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, लीप ईयर के बाद है आपका शताब्दी वर्ष, सेंचुरी वर्ष। ठीक है, शताब्दी वर्ष जैसे ही आता है तो शताब्दी वर्ष ये लीप ईयर है कि नहीं, ये जानने का तरीका भी थोड़ा सा बदल जाता है। इसके बाद है विषम दिन, ये आपके लिए नया हो सकता है कि विषम दिन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी निकालना मैं आपको बताऊंगा। अब इस चैप्टर में किन किन वेराइटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है। एक वेराइटी होती है जो सबसे कॉमन है कि आपको एक डेट दिया रहेगा कोई भी, और आपको बोलेगा कि इस दिनांक को कौन सा दिन था, जिसमें एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, वह सप्ताह का कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र राज्य बना, वह कौन सा दिन था। ऐसे प्रश्न सीधे ही पूछे जाते हैं, तब वहाँ पर ये आपको जो विषम दिन है उसका कॉन्सेप्ट यूज़ में आएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ ये रहता है कि आपको दो डेट दिया रहेगा, एक रेफरेंस डेट के तौर पर आपको यूज़ करना है, अर्थात आपको एक डेट दिया रहेगा और बोलेगा कि इस डेट को यह दिन था। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि भाई उसकी सत्यता की जांच करनी है कि अगर जो प्रश्न में दिन बोल रहे हो है या नहीं, उसको रेफरेंस मानकर आपको जो डेट दिया रहेगा उसका दिन ज्ञात करना है, उसके बाद उस डेट जो भी डिफरेंस रहेगा उसको आपको प्लस माइनस करना है, बस इतना ही काम है। दोनों प्रोसेस सेम है, बस एक स्टेप और बढ़ जाता है। इसके बाद में आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर अर्थात पुनरावृत्ति, ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे, जैसे मैं अभी का वर्ष लेता हूँ और बोलूँगा आपको कि वर्ष 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अर्थात 1 जनवरी अगर सोमवार पड़ा था तो और ऐसा कब होगा जब 1 जनवरी सोमवार ही पड़ेगा, पुनरावृत्ति का अर्थ तो यही हुआ। ठीक है, इसमें भी दो वेराइटी बनती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब एक और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ सेंचुरी अर्थात शताब्दी का अंतिम और प्रथम दिन कौन सा होगा। तो अभी जो हम टेबल यूज करने वाले हैं वहां से वो चीजें बहुत ही आसानी से ज्ञात की जा सकती है। और एक और वैरायटी बनती क्या, आपको बोलेगा कि भाई जनवरी माह का प्रथम दिन अगर सोमवार है तो दूसरे हफ्ते के सोमवार के 5वें दिन कौन सा होगा, या चौथा सोमवार कौन सा होगा, या 5वां सोमवार कौन सा होगा, अगर 5 सोमवार आते हो तो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि 5 सोमवार हो सकते हैं कि नहीं, क्यों होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम अपना पहला कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, ईयर, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्या, नॉर्मल ईयर जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लीप ईयर जिसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि वर्ष या अधिवर्ष। ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है, लेकिन हिंदी में कभी अधिवर्ष या वृद्धि वर्ष आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत समझना है कि वो लीप ईयर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब हम सामान्य वर्ष के बारे में बात करें तो आप सबको पता है कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, वही लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो यहां पर कितने दिन होंगे, 366 दिन। इसको 365 दिन को अगर मैं हफ्ते में कैलकुलेट करूं तो यह कितना आता है, आप सबको पता है, ये मैं कैलकुलेट करके नहीं बताने वाला हूं, सीधे ही इसको आप ध्यान में रखना क्या, कि एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन। ठीक है, 52 सप्ताह और एक दिन आपको ध्यान में रखना है। वही लीप ईयर के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, 52 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है, तब ये जो एक और दो दिन आया है इसी को हम बोलते हैं विषम दिन। अब देखिए, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो मैं 52 सप्ताह लिखा हुआ हूं, इसका अर्थ ये है कि हफ्ते का 52 साइकिल कंप्लीट हो चुका है,
उसके बाद हफ्ते का जो भी अंतिम दिन पड़ा उसके बाद क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे सिमिलरली दो दिन एक्स्ट्रा है, इसी को हम बोलते हैं विषम दिन। अभी सिर्फ आप इतना ही ध्यान में रखेंगे यहाँ से कि एक नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन होता है और एक लीप ईयर में दो विषम दिन होते हैं। इसका यूज कैसे करना है उसको मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब हम सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को कैसे पहचानना है, मान लेते हैं मैंने कोई भी एक वर्ष एज्यूम किया, जैसे कि मैं कहता हूँ वर्ष 2021, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, वर्ष 2021। इसकी अंतिम दो संख्याओं को अर्थात लास्ट टू डिजिट को हमको क्या करना है, चार से भाग देना है। ये लो भाई, चार से मैंने भाग दे दिया। अब मुझे बताइए आप सभी कि 21 क्या चार के पहाड़े में आता है, या 21 को अगर मैं चार से भाग दूं तो क्या ये पूर्णतः विभाजित होगा, क्या रिमाइंडर नहीं बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा। तब देखिए चार के पहाड़ी में 20 आता है तो ये पांच बार भाग जा सकता है, चार पंचे 20, लेकिन यहां पर क्या है, रिमाइंडर बच रहा है एक, अर्थात एक क्या है, शेषफल है। और अगर शेषफल बच रहा है अर्थात पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है तो ये क्या है, ये एक सामान्य वर्ष है, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर। अब यहीं पर अगर मैं कहता हूं वर्ष 2020, इसको मैं दूंगा चार से भाग, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, पांच बार में कंप्लीट भाग जाएगा और यहां पे शेषफल अर्थात रिमाइंडर बचेगा जीरो। कहने का अर्थ ये है कि यदि दी गई संख्या का अंतिम दो डिजिट चार से पूर्णतः भाग जाता है, इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ गिवन ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, देन इट इज अ लीप ईयर। ये क्या हो गया, लीप ईयर, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब भी शताब्दी वर्ष को आप चेक करेंगे कि यह लीप ईयर है कि नहीं, तब आपको चार से नहीं 400 से भाग देना है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं 2400, तो यह एक शताब्दी वर्ष है, शताब्दी का अर्थ होता है 100, और शताब्दी वर्ष आपको कैसे पहचानना है, लास्ट का जो दो संख्या रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा शताब्दी वर्ष में, इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि शताब्दी वर्ष लीप है या नॉर्मल है, यह चेक करने के लिए आपको चार से नहीं बल्कि 400 से भाग देना है, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा, इसे 400 से भाग दूंगा। अब देखिए ये छह बार में कट गया, ठीक है, और अगर पूर्णतः विभाजित हो रहा है इसका अर्थ ये है कि रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, जीरो। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि शताब्दी वर्ष 2400 एक लीप वर्ष है, ठीक है। यहीं पे मैं दूसरा शताब्दी वर्ष लेता हूं, जैसे कि मैं कहता हूं 2100, ठीक है। तब फिर क्या करूंगा, मैं 400 से इसे भाग देके देखूंगा, ठीक है। तो 400 के पहाड़े में आता है 2000, पांच बार में जाएगा, लेकिन रिमाइंडर यहां पे कितना बचेगा, 100। और अगर रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, इसका अर्थ यह है कि वो लीप ईयर नहीं है, तो क्या होगा, ये सामान्य वर्ष, ठीक है। अब हम लीप ईयर और नॉर्मल ईयर पहचानना सीख चुके हैं, अब विषम दिन या ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में कैलकुलेट करने वाले हैं। दोस्तों अब हम ऑड डेज यानी विषम दिन के बारे में कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो इसके लिए मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, एक टाइम ड्यूरेशन कितने का, 50 ईयर का। अब मुझे 50 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे ये ज्ञात करना है, तो पहले मुझे क्या ज्ञात होना चाहिए कि इस टाइम ड्यूरेशन में अर्थात इस 50 वर्ष में कुल कितने नॉर्मल ईयर होंगे और कुल कितने लीप ईयर होंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस 50 को 4 से मुझे भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 50 तो 4 के पहाड़े में आता नहीं है, तो कहां तक ये जाएगा, 48 तक, ठीक है। 12 चौक 48 होता है, 12 बार तक भाग गया, इसका अर्थ यह है कि इस ड्यूरेशन में 12 लीप वर्ष होंगे, ठीक है, और ये 12 हो गए लीप वर्ष। और अगर 50 में से मैं 12 माइनस करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 38। तो नॉर्मल ईयर कितना हो गया मेरा, 38। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करते चलना है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं ऑड डेज के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। यह फॉर्मूला है नॉर्मल ईयर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लीप ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों है, यहाँ पे एक और दो का गुना मैंने क्यों किया हुआ है, अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, मेरे पास नॉर्मल ईयर कितना है, 38 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2
डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू बनता है कितना, 38 प्लस 24 अपॉन 7। अब देखिए 38 और 24 को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 62। तो ये हो गया 62/7। और इस 62 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तब मुझे रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। अब देखिए 7 अट्ठे 56 होता है, 7 8 56, तो 62 में से अगर 56 मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। और ये जो 6 आया है यही मेरा क्या है, विषम दिन। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहीं पे अगर मेरा रिमाइंडर क्या आता, 7, और एक हफ्ता भी कितने का होता है, 7 दिन का, तब वहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अर्थात ऑड डेज जो है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 दिन। इस चीज़ को हमेशा ही ध्यान में रखिएगा जब कभी भी आगे हम प्रश्न को यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 10 आता, इन केस, इस ऐसे तो आता नहीं है, इन केस रिमाइंडर कहीं पर 10 बचता है तो उसे मैं फिर से क्या करूँगा, 7 से डिवाइड करूँगा, तब मेरे पास फाइनल रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ऑड डेज जो है हमेशा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 दिन का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ज्ञात कर लिया क्या कि 50 वर्ष में कुल 6 विषम दिन होते हैं। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी है, ये तरीका उनके लिए है जो मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन जिनके लिए कैलकुलेशन आसान है उनके लिए मैं एक दूसरा और बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कितना है, 50 ईयर का। अब आप सोचिए कि लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन होते हैं, अर्थात कम से कम 1 विषम दिन तो आ ही रहे। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, यहां पे सीधे लिखूंगा 50। अब लीप वर्ष कितने हैं ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 50 को 4 से भाग देना है, तब मुझे वहां से क्या पता चलता है कि 12 लीप वर्ष हैं, तो उस 12 को मैं यहां पर जोड़ दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, फिर से 62। फिर से इसको क्या करना है, 62 को 7 से भाग देना है, यहां पर रिमाइंडर बचेगा क्या, 6। तो आप कुछ इस तरीके से भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये आपके कैलकुलेशन स्पीड पर है कि आप कौन सा अप्रोच करने वाले हैं। अब देखिए 50 वर्ष के ड्यूरेशन में हमने कितना ऑड डे निकाल लिया, 6। ठीक है, अब 100 का मुझे निकालना है, तब मैं क्या करूंगा, या तो मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं मैनुअल, ठीक, या तो मैं क्या करूंगा 50 वर्ष में जितना विषम दिन है उसका मैं करूंगा दुगुना, तो 6 का दुगुना क्या हो जाएगा यहां पे, 12। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं, सिर्फ 6, अधिकतम सिर्फ 6 विषम दिन हो सकते हैं, तब आपको क्या करना है, 12 को फिर से 7 से भाग देना है, तो कितने बार में भाग जाएगा, एक बार में, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 में से आप 7 घटाएंगे तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा क्या, 5। ये लो 100 वर्ष का मैंने निकाल लिया कि 5 विषम दिन होते हैं। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, 200 का, तो 200 वर्ष के लिए मैं क्या करूंगा, 100 का दुगुना करूंगा, ठीक है, तब 100 वर्ष में कितने मेरे पास विषम दिन, 5, ठीक है, तो 200 में कितने हो जाएंगे, 10। फिर से आपको क्या करना है, ये वैल्यू क्या हो गई, 7 से अधिक हो गई, तब मैं क्या करूंगा, 10 को फिर से 7 से भाग दूंगा, अब रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा, 3। ये भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे 300 वर्ष का ज्ञात करना है, तब मैं क्या करूंगा, 200 और 100 वर्ष को जोड़ दूंगा, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, 5 और 3 को मैंने जोड़ा, कितना ऑड डे मिला मुझे, 8। ये वैल्यू फिर से क्या है, 7 से बड़ी है, तो इसे फिर मैं 7 से भाग दूंगा। अब 8 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तब आप सभी कैलकुलेट कर चुके होंगे अभी तक कि 300 वर्ष में कितना विषम दिन बचेगा, 1। अब देखिए 400 वर्ष का मुझे ज्ञात करना है, तब मैं क्या करूंगा, 200 वर्ष का दुगुना करूंगा, तब आप कहेंगे सर 200 वर्ष का दुगुना करने पर 400 वर्ष में कुल विषम दिन मुझे प्राप्त होंगे, 6। ठीक है, लेकिन 6 नहीं होता है यहां पे, विषम दिन होता है 0, क्योंकि याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि शताब्दी वर्ष के लिए जब भी हम चेक करेंगे तब हमें 4 नहीं 400 से भाग देना है। अब देखिए यहां पर 100 भी एक शताब्दी वर्ष था, 100 भी एक शताब्दी वर्ष था, तब मैंने सीधे 5 क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि 100 को अगर मैं 400 से भाग दूंगा तो वो भाग नहीं जाएगा क्योंकि 400 से छोटी संख्या है। 300 तक के लिए सारी चीजें ऐसे ही है, 300 बटे अगर मैं 400 करूंगा, सिर्फ अगर मैं वर्ष 300 की बात कर रहा हूं तब की स्थिति में, ये जो एक आया है ये कब तक की स्थिति है, वर्ष 299 तक की, 300वें वर्ष को आपको अलग से चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। ठीक इसी प्रकार जब हम 400वें वर्ष को कैलकुलेट करते हैं तो ये 400 से पूर्णतः भाग जाता है एक बार में, तब यहां पर क्या होगा, 3 का दोगुना 6 प्लस 1 अर्थात 7, और 7 डिवाइडेड बाय 7 क्या होता है, रिमाइंडर 0।
अब मुझे क्या प्राप्त हो गया कि 400 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं, तो जीरो। इस चीज को अब आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब 500 वर्ष का मुझे निकालना है, तब मैं क्या करूंगा, 400 और 100 को मैं जोड़ूंगा तो फिर से मुझे क्या प्राप्त होगा, 5। 600 वर्ष के लिए मैं क्या करूंगा, 400 और 200 को मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 3। 700 वर्ष के लिए अगर मुझे ज्ञात करना है तब क्या करूंगा, इस 400 और 300 को जोड़ूंगा तब मुझे क्या प्राप्त होगा, 0+1 अर्थात 1, ठीक है। और 800 वर्ष के लिए अगर मुझे ज्ञात करना है तब मैं क्या करूंगा, 400 का दुगुना, शून्य का तो आप कितना भी दुगुना करते जाइए, क्या प्राप्त होगा आपको, हमेशा 0, ठीक है। अब देखिए इस टेबल में आपको कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं, ये 100 के बाद में 500 में भी 5 विषम दिन है, 200 के बाद में 600 में भी सेम है 3 विषम दिन, 300 में अगर एक विषम दिन है तो यहाँ पे 700 में भी क्या है, एक ही विषम दिन है, ठीक। इसी प्रकार अगर 400 वर्ष में 0 विषम दिन है तो 800 वर्ष में भी 0 विषम दिन है, अर्थात सभी में गैप कितना है, 400 वर्ष का। अर्थात आप क्या कह सकते हैं कि 400 वर्ष के बाद में आपका कैलेंडर रिपीट होगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। अब यहां से हमें दूसरा कैलकुलेशन क्या करना है, प्रश्न में जब भी हमको पूछेगा तो इतना पीछे का डेट नहीं पूछता है, ठीक है। सामान्यतः वर्ष कौन से होते हैं, लगभग 80% केस में आपको क्या मिलेगा, 1900 का कैलकुलेशन आपको करके रखना है, और एक वर्ष आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ष 2000 के लिए, ठीक है। तब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि 400 के मल्टीपल में जो भी ईयर आएंगे सब में क्या होगा, विषम दिन 0, तो 800 के बाद में देखिए 1200 भी क्या होता है, 400 से भाग जाता है तो इसमें भी विषम दिन होगा 0। ये 1600 है, ये भी शताब्दी वर्ष है, 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी विषम दिन क्या होगा, 0, ठीक। इसी प्रकार वर्ष 2000 भी क्या है, 400 का मल्टीपल है तो इसमें भी क्या होगा, विषम दिन 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब मुझे एक वैल्यू अलग से कैलकुलेट करना है, वो है वर्ष 1900 का। तो वर्ष 1900 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 1600+300, तो 1600 का तो 0 हो गया, वो तो कोई काम का नहीं है। अब मुझे 300 का विषम दिन ज्ञात करना है। अब मुझे तो ये पता है कि 300 वर्ष में विषम दिन कुल कितने होते हैं, तो यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है 1, तो वर्ष 1900 में कितने विषम दिन होंगे, तो 1। इस चीज को आपको हमेशा इस चैप्टर भर ध्यान में रखना है, यही चीज आपको हमेशा कैलकुलेशन में काम आने वाली है, ठीक है। अब यहां पर तो हमने कुछ एक बड़े टाइम पीरियड की बात कर ली, अब हमें एक वर्ष के अंदर जो 12 महीने होते हैं उसमें कितने विषम दिन होते हैं इसका कैलकुलेशन अब हमें करना है। तो आप सभी को पता है कि जनवरी से हमारा जो मंथ है वो स्टार्ट होता है, और जनवरी में कुल होते हैं 31 दिन। अब 31 को अगर आप 4 से भाग देंगे तो 7 × 28 वहीं तक ही जाएगा, तो कितने विषम दिन बचे रह गए यहाँ पे, 3। जनवरी में हो गए भाई आपके कितने, 3 विषम दिन। अब फरवरी में हमारे पास हमेशा दो स्थिति आएगी, क्या ये सामान्य वर्ष है या क्या ये लीप वर्ष है। तब देखिए सामान्य वर्ष अगर है तो फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का, और 28 तो 7 का मल्टीपल है, अर्थात उस स्थिति में क्या होगा, विषम दिन 0। और यदि लीप वर्ष है तो उस स्थिति में क्या होता है, फरवरी 29 दिन का होता है, तो उस स्थिति में क्या बचेगा आपके पास, रिमाइंडर, अर्थात विषम दिन 1। तो ये 0 और 1 का मतलब ये है, एक है नॉर्मल ईयर और एक है लीप ईयर, ठीक है। अब मार्च के महीने की हम बात करें तो मार्च भी कितने दिन का होता है, 31 दिन का, तो यहां पर कितने विषम दिन बचेंगे, 3। सिमिलरली यहां पे अप्रैल होता है 30 दिन का, और अगर 30 दिन के लिए विषम दिन आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा क्या, 2। सिमिलरली पूरा टेबल ये आप फिल करते जाइए, यहां पे आएगा 3, ये 2, 3। अगस्त भी 31 का होता है, 3। सितंबर होता है 30 दिन का, तो यहाँ पे आएगा 2। अक्टूबर में आएगा 3, नवंबर में आएगा 2, और दिसंबर में फिर से आएगा क्या, 3। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आप एकदम से इसको रटने मत बैठिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जैसे जैसे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे याद होती चले जाएंगी। अब यहीं से हम एक और छोटा सा कैलकुलेशन करने वाले हैं, वो चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए अगर इस 12 महीने को मैं 6-6 महीनों में बांट देता हूँ उस स्थिति में, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें 8वें महीने, 9वें महीने या 11वें महीने तक हमें प्रोसीड करना रहता है, तो इस स्थिति में हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम शुरू के 6 महीने को एक सिंगल डिजिट में पहले से ही कन्वर्ट करके रख लें, ताकि हमें पुनः बार बार 6 महीने कैलकुलेट ना करने पड़े। तब देखिए यहाँ पर शुरू के 6 महीने हैं कहाँ, जनवरी से लेकर जून तक। अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूँ तो यहाँ पर इस लाइन को जोड़िए, 3+0
प्लस 3 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11 और प्लस 2 होता है कितना 13। ठीक है, अब एक नॉर्मल ईयर में शुरू के 6 महीने में मेरे पास 13 विषम दिन आ रहे हैं। अब 13 है क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है, तब मैं इसको क्या करूँगा, फिर से 7 से भाग दूंगा, और 13 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तब मेरे पास कितना विषम दिन बचेगा यहाँ पर 6। तो नॉर्मल ईयर के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, 6 महीने के लिए 6 विषम दिन। ठीक है, वहीं पर अगर मैं लीप ईयर के लिए बात करूं तो 6 ये मेरे पास पहले से आ चुका है और ये फरवरी का एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तब ये 6 और एक क्या बनेगा 7। ठीक है, और 7/7 अर्थात रिमाइंडर बचेगा 0, तब मैं क्या कहूंगा कि लीप ईयर की स्थिति में शुरू के 6 महीने में 0 विषम दिन होते हैं। इस चीज़ को आप आगे के कैलकुलेशंस के लिए ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सेंट्रल और स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहां पर आपको बार बार दो शब्दावली 29 फरवरी और 29 तारीख देकर कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने दो टाइम ड्यूरेशन लिया हुआ है, एक है मेरे पास 100 वर्ष का और दूसरा है मेरे पास क्या 400 वर्ष का। तो ये मेरे पास दो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि 29 फरवरी कितने बार पड़ेगा और 29 तारीख कितने बार पड़ेगा। तो पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि 29 फरवरी कितने बार पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है 29 फरवरी को, मंथ का नाम लिखा हुआ है उसके साथ में, तो इसका अर्थ ये है कि 29 फरवरी अगर मैं बोलता हूँ तब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लीप वर्ष के बारे में। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा क्या बन गया कि 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष पड़ेगा। ठीक है, और सिमिलरली 400 वर्ष में कितनी बार लीप वर्ष आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये चीज़ तो अभी हम कर चुके हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 वर्ष। ठीक है, तब 0 से 99 तक आपको 4 से भाग दे के चेक करना है, और 100 क्योंकि शताब्दी वर्ष है तो इसे हम 400 से भाग देंगे। अब 99 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो ये पूर्णतः 24 बार भाग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 24 × 4 होता है 96, उसके आगे 99 चार के पहाड़ा में आता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ 24, और क्योंकि 100 शताब्दी वर्ष है इसे मैं 400 से भाग दूंगा तो यहाँ पे सीधे सीधे रिमाइंडर बचेगा 100, अर्थात ये क्या है नॉर्मल ईयर। तो यहाँ पे क्या हुआ 24 लीप ईयर। ठीक है, तब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 100 वर्ष में सिर्फ 24 लीप ईयर होते हैं। अब जिन लोगों को ये शताब्दी वर्ष का कॉन्सेप्ट पता नहीं है वो हर बार इसको 25 लेकर आएंगे और प्रश्न को गलत करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करना है, अब मुझे 400 वर्ष के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 400 वर्ष को किस प्रकार ब्रेक किया जाता है, शून्य से लेके 100, फिर 101 से लेके 200, 201 से लेके 300 और 301 से लेके 400। इस प्रकार आपको इन चीज़ों को ब्रेक करके कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहां पर मैं लिखने वाला हूं 400 वर्ष का। ठीक है, इसको मैंने इस तरह ब्रेक कर दिया। अब मुझे पता है 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं 24। सिमिलरली 101 से वर्ष 200 तक 24 ही लीप वर्ष होंगे, क्योंकि ये 200वां शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन 400 से ये भाग नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर भी 24 लीप ईयर होंगे, यहाँ पर भी 24 लीप ईयर होंगे। अब देखिए 301 से लेकर 400वें वर्ष तक की अगर बात करें तो 24 लीप वर्ष तो होंगे ही, लेकिन ये जो 400वां वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है और ये 400 से बिल्कुल भाग जाएगा, तब यहाँ पे 24 नहीं कुल कितने लीप वर्ष होंगे 25। ठीक है, अब इन सभी को आप ऐड कर दीजिए तो ये होता है 24 × 4 96 प्लस 1 कितना होगा यहाँ पर 97। तो 400 वर्ष में मैं क्या बोलूँगा कि 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ अब हम निकाल चुके हैं। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं कि 29 तारीख 100 वर्ष में कितने बार आएगा और 400 वर्ष में कितने बार आएगा। तो पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि 29 तारीख का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 1 से लेके 31 जनवरी, फरवरी अगर लीप वर्ष है तो 1 से लेके 29 फरवरी तक जाएगा, और अगर सामान्य वर्ष है तो 1 से लेके 28 फरवरी तक जाएगा। उसके बाद मार्च में आप फिर आओगे तो 1 मार्च से लेके वो महीना कब खत्म होगा 31 मार्च में। सिमिलरली सारे महीने में 29 तो आता ही है, कम से कम 11 बार तो आएगा ही। ठीक है, अगर वो सामान्य वर्ष है तो, और अगर वो लीप वर्ष है तो 29 तारीख 12 बार आएगा। अब इसी चीज़ को हमें यूज़ करना है। 100 साल के लिए अभी हम निकाल चुके हैं क्या
कि 24 इसमें लीप ईयर आएगा और 100 में से अगर आप 24 माइनस करेंगे तो 76 यहां पे क्या आएगा, नॉर्मल ईयर आएगा। अब लीप ईयर में 29 तारीख आता है 12 बार और सामान्य वर्ष में 29 तारीख आता है 11 बार, तो ये वैल्यू मुझे क्या प्राप्त होगा, 288 प्लस 76 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे प्राप्त होगा 836, ठीक है। इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 1124, अर्थात 100 साल के ड्यूरेशन में मुझे कुल 1124 बार 29 तारीख का सामना करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1124। अब मुझे 100 से 400 वर्ष तक के लिए कैलकुलेट करना है, तब मैं क्या करूंगा, इसे 4 गुना कर दूंगा और जो 400वां वर्ष जो कि शताब्दी वर्ष भी है और लीप वर्ष भी है उसका 1 ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं 1124 को 4 गुना करूं तो ये मुझे प्राप्त होगा, ये 1124 इंटू 4 प्लस 1, ये एक्स्ट्रा क्योंकि 400वां वर्ष जो है शताब्दी वर्ष होगा, ये मुझे प्राप्त होगा 4496 प्लस 1, तो इस प्रकार मुझे क्या प्राप्त होगा 4497, और ये वैल्यू आपको अब ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार अब हमारा ये टेबल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखिए 100 वर्ष में अगर आपको 29 फरवरी के बारे में यानी लीप वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं तो कितना आएगा 24, 29 तारीख के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कितना आएगा 1124, ठीक उसी प्रकार अगर आपको 400 साल के ड्यूरेशन में 29 फरवरी अर्थात लीप वर्ष के बारे में पूछेगा तब आपका आंसर क्या होगा 97, और 400 वर्ष में अगर आपको 29 तारीख के बारे में पूछ रहे हैं तब आपका आंसर क्या होगा 4497। तो इस टेबल को आप या तो निकालना सीख जाइए या आप इसे सीधे सीधे रट लीजिए, क्योंकि सीधे ही वन लीनियर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम अगला टॉपिक जो कि क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ सेंचुरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम यहां पर 4 शताब्दियों के बारे में बात करेंगे, 100, 200, 300 एंड 400, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेता हूं रिमार्क्स, कुछ विशेष बातों को ये लास्ट वाले टेबल में हम नोट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सेंचुरी मैंने लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है विषम दिन, उसके बाद हम क्या याद करेंगे कि उस शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा और उस शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, ये सारी चीज़ हम कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ से इस टेबल से सीधे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और अगर आपने पहले से इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो यकीन कीजिए वहाँ पर आप इस टॉपिक को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से टेबल को समझते चलिएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले इन सभी 100, 200, 300 और 400 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे ये सभी कैलकुलेट किया हुआ है। तो 100 वर्ष के लिए हमने निकाला था 5, 200 के लिए निकाला था 3, 300 के लिए हमने निकाला था 1 और 400 वर्ष में हमने निकाला था 0 विषम दिन। अब समझिए इसका अर्थ हमें किस प्रकार निकालना है। अगर मैं बोलता हूँ कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन है, तो मैंने आपको उस समय क्या बताया था कि 7 दिन का एक हफ्ता होता है, ठीक है। और अगर 5 विषम दिन मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि हफ्ते का पूरा साइकिल कंप्लीट होने के बाद में मेरे पास 5 दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब देखिए जब भी विषम दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 0 या 7 आएगा उसका अर्थ आपको क्या निकालना है, एक विषम दिन का मतलब होता है मंडे, 2 का अर्थ होगा यहाँ पे ट्यूजडे, 3 का वेडनेसडे, 4 का होगा थर्सडे यानी गुरुवार, 5 होता है फ्राइडे, 6 होगा हमारा सैटरडे, और 0 और 7 का मतलब होता है क्या, संडे अर्थात रविवार, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास 5, तो मैं क्या बोलूंगा कि उस हफ्ते का अंतिम दिन, सॉरी उस शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, शुक्रवार अर्थात फ्राइडे, ठीक है। और यहां पे 200 वर्ष के ड्यूरेशन में मेरे पास है विषम दिन 3, तो 3 का अर्थ क्या होगा, वेडनेसडे, अर्थात 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार। इसी प्रकार 300 वर्ष में हमारे पास विषम दिन है 1, और 1 का अर्थ होता है क्या, मंडे, ठीक है। और 400 वर्ष में यहां पर मेरे पास विषम दिन है 0, और 0 का मतलब होता है संडे, अब यहां पर इस टेबल में देखिए अंतिम दिन का कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि उस शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा रहा होगा। अब देखिए हमारा कैलेंडर सोमवार से शुरू होता है, ठीक है, जब भी कैलेंडर बना होगा
पहली तारीख को सोमवार ही रखा होगा कैलेंडर बनाने वाले में, तो इसको कैलकुलेट करने की तो हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सौवीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा उस हिसाब से, मंडे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मंडे। ठीक है, अब देखिए दसवीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा ये मैं कहता हूं, उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, कि अगर 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, ठीक है, कब 1 जनवरी 2020 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन रहा होगा? तो आप बोलेंगे रविवार। ये आपने कैसे ज्ञात किया? अगर आपको नए वर्ष का पहला दिन ज्ञात है तो पिछले वर्ष का अंतिम दिन आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपको इस वर्ष का अंतिम दिन ज्ञात है तो आने वाले वर्ष का आप प्रथम दिन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मुझे दसवीं शताब्दी का पहला दिन चाहिए और मुझे सौवीं शताब्दी का अंतिम दिन ज्ञात है, तब मैं क्या करूंगा, यहां से सीधे एक दिन जोड़ दूंगा। तब फ्राइडे के बाद अगला दिन मुझे क्या मिलता है? सैटरडे। ठीक इसी प्रकार मुझे 300वीं शताब्दी का प्रथम दिन ज्ञात करना है और मेरे पास 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन है बुधवार। ठीक है, तो इस दिन को मैं क्या बोलूंगा? गुरुवार। यह भी मैंने ज्ञात कर लिया। अब 400वीं शताब्दी का प्रथम दिन ज्ञात करने के लिए मुझे 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन ज्ञात होना चाहिए और वो मुझे ज्ञात है, यह है सोमवार। तो 400वीं शताब्दी का प्रथम दिन मेरे पास क्या आएगा? मंगलवार, अर्थात ट्यूजडे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे दोनों टेबल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अंतिम दिन और प्रथम दिन दोनों का अनुमान लगा लिया है। अब इसे याद कैसे रखना है इसके बारे में हम विचार करेंगे। तब लास्ट डे के लिए आप याद रखिएगा कोड 5310। ठीक है, 5310 यहाँ पे शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार को यहाँ पे मैंने 5310 लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मैं लिखूंगा 1642। ठीक है, इन दोनों चीजों को आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करने की हमें जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे याद रख लीजिए। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन कौन से दिन शताब्दी के प्रथम दिन या अंतिम दिन नहीं हो सकते और आपको कॉम्बिनेशन दिया रहेगा, तब उस स्थिति में आपको पता है कि कौन सा दिन अंतिम दिन है। अब देखिए यहाँ पे अंतिम दिन हमारे पास 4 है, तो कौन से नहीं हो सकते? जो संख्या यहाँ पर नहीं है वो बिल्कुल अंतिम दिन नहीं हो सकते, तो वो कौन कौन से हैं? 2, 4 और 6 ये अंतिम दिन नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 1, 6, 4, 2 अगर प्रथम दिन है तो कौन कौन से अंक हैं जो प्रथम दिन नहीं होंगे? तो वो है 0, 3 और 5। तो 0, 3 और 5 क्या नहीं हो सकते? शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। तो यहाँ से आप शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन से रिलेटेड सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम इस चैप्टर में यूज़ होने वाले सारे बेसिक कैलकुलेशन कर चुके हैं और आने वाली कक्षा में हम इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को आपके साथ हल करने वाले हैं। तो आपके पास पूरा एक दिन का समय है, आप इस वीडियो को देखने के बाद या तो अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर कीजिए या स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप इन नोट्स का भी अध्ययन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी कैलकुलेशन हमने किया है उसे आपको खुद को एक बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ख़ास तौर पर आपको ये टेबल ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है इतनी आसान चीज़ आपको बिल्कुल ही ध्यान में रहेगी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ऑड डेज का मतलब क्या निकालना है, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है, इसके साथ ही वर्ष 1900 में कुल कितने विषम दिन होंगे, वर्ष 2000 में कुल कितने विषम दिन होंगे, सिमिलरली इसी प्रकार 100 से लेकर 1600 तक या 2000 तक भले आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल एक बार कीजिए। हो सकता है कभी ऐसा प्रश्न आपको पूछे जो 14वीं शताब्दी का हो, 15वीं शताब्दी का हो, तो उस स्थिति में आपको ये सारे कैलकुलेशन काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में।